पप्पू यादव का टैग कहा जाता है, गरीबों के मसीहा है। लोग नमस्कार, मैं आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। पप्पू यादव खुद इस बात को लेकर आज पॉलिटिकली कुछ बोलते नजर नहीं आए। निचले दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए कंबल वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का आज 57वां जन्मदिन दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर देख सकते हैं कि जो पप्पू यादव का टैग कहा जाता है, गरीबों के मसीहा है। लोगों दबे कुचले लोगों का जो आवाज़ है वो उठाते रहते हैं मौके मौके पर। देख सकते हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं और इस मौके पर जन्मदिन के अवसर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा महोत्सव के तौर पर उनके जो अध्यक्ष का कार्यालय है वहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्यक्रम रखी गई है। जो गरीब लोग हैं, जो निचले दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए कंबल वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। कहीं ना कहीं केक काट कर जन्मदिन को मनाया। हालाँकि पप्पू यादव खुद केक काटने नहीं नजर आए, उनके जगह पे कई लोग जो उनके पार्टी कार्यालय के जो उनके पार्टी के जो अपने करीबी हैं वो इस मौके पर नजर आए हैं। हालांकि पप्पू यादव खुद इस बात को लेकर आज पॉलिटिकली कुछ बोलते नजर नहीं आए हैं, लेकिन एक तौर पर कहें जो पप्पू यादव का टैग रहा है, गरीबों के मसीहा रहे, दबे कुचले लोगों के आवाज रहे हैं, कहीं भी पीड़ितों के साथ कुछ होता है तो तुरंत आवाज ऊंचा करने के लिए पहुंच जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, परिजनों की मदद करते हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव का। पहले दिनों में देखा जाए तो जब पप्पू यादव एक दशक में जब 90 की बात की जाती थी तो कहीं ना कहीं बाहुबली का टैग हुआ करता था और आज वो टैग अब बदल चुका है। कहीं ना कहीं जो देख लीजिए कतार है आज उनके आवास पर लगा हुआ है, तमाम गरीब लोगों की मदद जो है वो की जा रही है। तमाम उनके कार्यकर्ता थे, उनका आपने देखा किस तरह से हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन को मनाया जा रहा है। हालांकि चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। राजेश भाई थोड़ा गौतम लगा दिए कंप्लीट हो जाएगा। चलिए प्रेमचंद, अरे बुके लगाइए ना प्रेमचंद, दीजिए ना चुनाव की, तब शायद आप इस बात को भूल जाते हैं कि पप्पू यादव जो गरीबों के चले जाते हैं बिहार में, आखिर उनका क्या योगदान। ले लीजिएगा महज 500 रुपए पे और एक दारू की बोतलों पे आप लोग बिक जाते हैं, लोगों को जो लगातार समाज सेवा का कार्य करते हैं। आप देखिए क्या बोलेगा उनके लिए अगर एक शब्द।